नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों, इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर है, जहां 6 मैचों की T20I सीरीज खेली जानी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले 3 T20I मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में खेले जाएंगे, जिसके बाद बाकी के बचे 3 T20I मैचेस जो है वो 23 अगस्त से खेले जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सेकंड T20I मैच की। देखिए, पहला मुकाबला खेला गया था जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 28 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है और इस सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ कर दी है। अब ऐसे में सेकंड T20I मैच में कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले आपको बता दें कि सबीना पार्क किंगस्टन में यह मुकाबला होगा 26 मई को यानी कि संडे के दिन सुबह 12:30 बजे। तो दोस्तों, पिच रिपोर्ट के साथ आज के इस मैच प्रीव्यू की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस पिच पर टोटल मैचेस अभी तक खेले गए हैं 7, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 175 का। हाईएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है न्यूजीलैंड की टीम ने 215 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम ने दर्ज किया है 9 विकेट पर 96 का। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो स्कोर बिलो 150 बना है 3 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 बना है 1 टाइम, तो वहीं स्कोर अबव 190 बना है 2 टाइम्स। तो देखिए, ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट के बारे में, यानी कि पहला जो T20I मैच खेला गया था उसी पिच पर ये दूसरा T20I मैच भी खेला जाना है। दोस्तों, अब देखिए, पहले मुकाबले में तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन क्या सेकंड T20I मैच में भी फर्स्ट बैटिंग वाली टीम मुकाबले को अपने नाम करेगी, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं यहां पर हेड टू हेड कंपैरिजन के बारे में। तो देखिए, 20 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में, 9 मुकाबले जीते हैं वेस्ट इंडीज की टीम ने, तो वहीं 11 मैचेस में साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत दर्ज की है। अब पहले मुकाबले में देखिए, यहां पर वेस्ट इंडीज भले ही जीत गई है, लेकिन अगर ये सीरीज वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें ये सेकंड T20I मैच भी जीतना होगा। दोस्तों, अब ऐसे में ब्रेंडन किंग यहां पर टीम की कमान संभाल रहे हैं कि इन 11 खिलाड़ियों को वो मौका देंगे अपनी प्लेइंग 11 में शामिल होने का। चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहां पर शामिल रह सकते हैं जोनसन चार्ल्स, काइल मेयर्स, ब्रेंडन किंग, आंद्रे फ्लेचर, रोस्टन चेज, फैबियन एलन, अकील हुसैन, गुडाकेश मोटी, उबेट मैकॉय, मैथ्यू फोर्ड और शमार जोसेफ। तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और वेस्ट इंडीज के की प्लेयर्स की अगर बात करें तो यहां पर पहला नाम हमने शामिल किया है कप्तान ब्रेंडन किंग का, जिन्होंने फर्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली थी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। 175.56 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 79 रन स्कोर किए थे। इनके अलावा काइल मेयर्स हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 34 रन बनाए थे 136 के स्ट्राइक रेट से। अगला नाम है रोस्टन चेज का, जिन्होंने 32 रन बनाए थे, साथ ही उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी अपने नाम किया था। गेंदबाजी की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए, यहां पर मैथ्यू फोर्ड है, जिन्होंने फर्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट अपने नाम किए थे 9.50 के इकोनॉमी रेट से। अगला नाम है गुडाकेश मोटी का, जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए थे 6.20 के इकोनॉमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम है उबेट मैकॉय का, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए थे 5 के इकोनॉमी रेट से। तो ये हो गए वेस्ट इंडीज के वो गेंदबाज, वो बल्लेबाज जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए, पहले मुकाबले में तो साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी है। अब क्या दूसरे T20I मैच में साउथ अफ्रीका की टीम जीत के साथ वापसी करेगी? इनके लिए किन 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा? यानी कि ड्रेसी बेंडेडूसन यहां पर कप्तानी संभाल रहे हैं, तो उनके कप्तानी में कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि खेलते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले में? चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, यहां पर क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, रियान विकल्टन, ड्रेसी बेंडेडूसन, मैथ्यू ब्रेट्सकी, वियान मुल्डर, एंडिले फुलकवायो, गेरोल्ड कॉडजी, विजॉन फॉर्च्यून, ऑटनिल बाटमैन और लुंगी अंगड़ी नजर आ सकते हैं। अब साउथ अफ्रीका के अगर की प्लेयर्स की बात करें तो देखिए, पहले T20I मैच में हमें साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी कुछ खास देखने को नहीं मिली। यहां मात्र रिजा हेंड्रिक्स थे, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 87 रन बनाए थे 170.59 के स्ट्राइक रेट से। इनके अलावा कोई भी यहां ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो कि इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर, अच्छे रन स्कोर कर अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो। वेल, सेकंड T20I मैच में देखिए, क्विंटन डिकॉक से यहां उम्मीद की जा सकती है। अभी तक अगर उनके स्टैट्स की बात की जाए तो
80 T20I मैचेस में उन्होंने 2277 रन स्कोर किए हैं 137.33 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजों की बात करें तो एंडिली फुलकवायो ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले T20I मैच में 7 के इकोनॉमी रेट से 3 विकेट चटकाए थे। और नील बैट्समैन की बात करें तो उन्होंने भी 3 विकेट अपने नाम किए थे 6.50 के इकोनॉमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम है गिरॉल कॉर्जी का, जिन्होंने 1 विकेट चटकाया था 7.50 के इकोनॉमी रेट से पहले T20I मैच में। तो दोस्तों यहां पर दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, साथ ही कौन से वो बल्लेबाज और गेंदबाज रहेंगे जो कि इस मैच में अपनी टीम को जिताने में भरपूर मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो देखिए कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो वैसे तो वेस्ट इंडीज की टीम ने पहला T20I मैच अपने नाम कर लिया है पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब सेकंड T20I मैच में कौन सी टीम जीतेगी ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मुकाबले को जीता जा सकता है दोस्तों, लेकिन देखिए एक मुकाबला भले ही वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत लिया है लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम क्या अपनी प्लेइंग 11 में कुछ और बदलाव करेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों देखिए यहां पर 60% चांसेस साउथ अफ्रीका की टीम के नजर आ रहे हैं कि वो इस मुकाबले में जीत के साथ वापसी कर सकते हैं। तो वहीं 40% चांसेस यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम के भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही वेस्ट इंडीज की टीम की अच्छी नजर आ रही है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतना है तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी दोस्तों, क्योंकि गेंदबाजी तो काफी अच्छी नजर आ रही है। वेल आपके हिसाब से कौन सी टीम दूसरे T20I मैच को अपने नाम करेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।